कर चुके, क्योंकि ये देखिए टीम सोल वहां पर आ चुकी थी जो अर्ली पार्टिसिपेट कर सकती थी वहां पर। अब कॉर्नर्स को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, क्या शोर को होल्ड करना थोड़ा सा बेनिफिशियल रहने वाला है। मीनवाइल कार्टून की अगर आप एक्शन की बात करें तो स्कारल इनके पास है, स्मोकी की हेल्थ काफी ज्यादा कम है। रेगल टॉस विद दैट एसकेएस एंड ट्राइंग टू टर्न आउट फ्यू एडिशनल फिनिश पॉइंट्स, जहां पर काफी सारे प्लेयर नॉकआउट्स हैं। इवन मॉर्टल इज द वन जो डीएमआर एक्शन में काफी इंटरेस्टेड है। अमन अपनी M4 के साथ ऑफ गार्ड एंगल पर है, एंड ये देखिए जितने प्लेयर्स नॉकआउट्स हैं, शायद थर्ड पार्टी करने का इससे बढ़िया चांस नहीं मिल सकता टीम सोल को। मैन स्टैंडिंग था वो ऑटोमेटिकली वहां पर फिनिश अप हो गए। हाइड्रा के रात को पड़ा मॉर्टल का डैमेज, जगह पर पड़ी जो इनका ट्रेंड था वो अब यहां पर अभी के लिए ऑन पॉइंट जाता हुआ। जैसे कि मैंने कहा था गेट कीप करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, और फिनिश करने के लिए मॉर्टल का एक ग्रेनेड आएगा जो हाइड्रा रात को फिनिश ऑफ कर पाएगा या नहीं। सामने ग्लाइडर भी है, उसको शायद यूज नहीं करेंगे, मॉर्टल अपनी व्हीकल को यूज करेंगे, ट्रक वैन का इस्तेमाल किया जाएगा। वाइपर के पास एक अच्छा सैक का एरिया है जो कि हो गाइस, मेरे ख्याल से आप कंप्लीट करा सकते हैं और 25,000 भी आप करा सकते हैं। जोनाथन इसी बीच तो टीम एंटिटी वर्सेस टीम सोल भी यहां पर इनिशिएट हो चुकी माय वे, जिसका इंतजार कर रहे थे पिछले गेम में लेकिन हो नहीं पाया था, लेकिन मेरा मार्क मैप में वो हमें विटनेस करने को मिल रहा है, टीम एंटिटी वर्सेस टीम सोल। गाइस आप लोग यहां पर अपनी कुर्सियों की पेटियां बांध सकते हैं, क्योंकि असली पावर पैक एक्शन की जो जहाज है वो उड़ने वाली है। इट्स टीम एंटिटी वर्सेस टीम सोल, अमन इज द वन विद दैट M4 एंड नाउ दिस इज द विजन। जोन के कॉर्नर पर कौन अपना एरिया डिफेंड करने वाला है? जी गॉड कमिंग अप विद द ग्रेनेड, ओपनिंग कहां से निकलने वाली है? इधर से रेगल टॉस ग्रेनेड कर रहे हैं, उधर से जी गॉड ग्रेनेड कर रहे हैं, रेगल टॉस कमिंग अप विद द मोलोटोव, एंड नाउ इज द टाइम फॉर दैट ओपनिंग। गया जरूर से क्लच गॉड को मोली का डैमेज लग रहा है, आग जरूर लगी है बट वो सीने में नहीं है। रिवाइवल यहां पर नहीं चाहिए, सिर्फ हील करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, क्योंकि आराम से रेगल टॉस ने दे जरूर दिया है। बात करें अगर मॉर्टल की तो थोड़ा सा पीछे है, काफी ज्यादा पीछे, आई थिंक पार्टिसिपेट करने के लिए जल्दी से वो ट्रकमैन के सेल्फ स्टार्ट करनी पड़ेगी और सीधा यहां पर अपनी हाजिरी देनी पड़ेगी। मीनवाइल ओपनिंग नहीं मिली है, आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि किसका वो पहला नॉकआउट होगा इस टीएसएम एंटिटी वर्सेस टीम सोल की फाइट के बीच में। वाओ, यहाँ पर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, लेकिन जैसे ही माइक बोल रहे थे कि अभी तक ओपनिंग नहीं मिली है तो उसका इंतजार यहाँ पर जरूर करना पड़ेगा। रेगल टॉस ने प्रेशर जरूर बिल्ड करने की कोशिश करी, बट मुझे लगा था कहीं ना कहीं टीम्स का डिसीजन यही है कि पहले जोन की तरफ प्रायोरिटी दी जाए, उसके बाद फाइट के लिए आगे बढ़ा जा सके। बट अभी के लिए इस एंगल से मुझे यहाँ पर देखने मिला शायद यहाँ पर डैमेज देखने को मिल रहा है, और अब जोनाथन यहाँ पर मेरे ख्याल से एक नॉकआउट जरूर निकाले, लेकिन उनकी भी एचपी डाउन होगी। अमर उनका नॉकआउट निकालेंगे एंड शायद मेरे ख्याल से काफी लेट कहीं हो गया, कहीं हो ना गया यहाँ पर एंटिटी के लिए। आई थिंक यहाँ पर टीम सोल के रेगल टॉस ने जो अपने रूल को जस्टिफिकेशन दी है वो काबिले तारीफ थी। मॉर्टल विद दैट ऑफ गार्ड एंगल, लास्ट मैन स्टैंडिंग फ्रॉम टीएसएम एंटिटी क्लच गॉड। अब यहाँ पर अपने नाम को बैक करना पड़ेगा क्लच गॉड को, अगर यहाँ से क्लच आउट करते हैं तभी शायद यहाँ पर सेव कर पाएंगे। रेगल टॉस इधर से उधर से क्लच गॉड, 1v1 की फाइट रहेगी। नियो की तरफ स्मोक ग्रेनेड्स किए जा रहे हैं टू गेट दैट रिवाइवल डन, बट मॉर्टल भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। स्पॉट जरूर कर चुके हैं, क्लच गॉड को वो सेंस मिल चुका है, वो इन्फॉर्मेशन मिल चुका कि रेगल टॉस पीछे से डैमेज से निकले इनकी तरफ आ चुके हैं, बट क्लच गॉड इज नाउ एक्चुअली डिसएंगेजिंग एंड अलाउइंग हिम टू चेस हिम। स्पॉट यहां पर जरूर से किया था एंड अमन कमिंग आउट ऑफ नो वेयर बैंग ऑन दैट एंड दिस वर्क्स इन फॉर टीम टीएसएम एंटिटी सोल। मॉर्टल सोल रेगल टॉस और अमन तीनों यहां पर बच गए, और बीच में राहुल की टीम भी आ गई। ओके, वीरू भी यहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए आ चुके हैं, मॉर्टल की एचपी बहुत ज्यादा कम है, कॉर्नर पर ये फाइट बड़ी जबरदस्त निकल कर आ चुके हैं। वाइपर वहां पर कॉर्नर पर जरूर से मौजूद है, स्पॉट यहां पर करेंगे 420 ओपी को, क्या यहां पर लिमिटेड डैमेज दे पाएंगे क्योंकि बहुत कम की वहां पर दरकार थी। चारों प्लेयर्स की मैन एडवांटेज को बरकरार रखते हुए टीम सोल के पास 7 फिनिशेस आ चुके हैं, रडाउल का सिर्फ वहां पर 2 खिलाड़ी बचे हैं, एंड कितनी खूबसूरती से एंटिटी को यहां पर फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। मॉर्टल विद दैट ग्रेनेड डिस्पाइट विद द डिसाइडर बॉडी इफ इट डस सम डैमेज, बट वीरू एक डिफरेंट ऑफ गार्ड एंगल पर है। आई थिंक वहां पर गेम जोन उन्होंने चाहा कि वो शायद शैक के अंदर है, बट वीरू शैक से बाहर आ चुके हैं। अब मॉर्टल एक बार फिर से एक थर्ड आई कुक्ड ग्रेनेड करने वाले हैं जो शायद यहां पर थोड़ा सा डैमेज देगा, बट नहीं, वीरू अभी भी उस ग्रेनेड से बच जाएंगे। बट यहां कुछ और हुआ, वाइपर और रेगल टॉस की ये जोड़ी टीम रेड आउल को भी कर दी की एलिमिनेट, तो टीम सोल का डोमिनेशन यहां से हो चुका है शुरू। कल से होल्डिंग गेम प्ले अभी के लिए चलता हुआ नजर आया टीम सोल की तरफ से। आई थिंक इनके पास ना सिर्फ फिनिशेस है, जोन की एडवांटेज देखिए आप कितनी बढ़िया है, बैक क्लियर है, जिसने आना है सामने से आना है, चाहे तो पूरा ट्रैप बना सकते हैं। ये देखिए टीम सोल की पोजीशनिंग देखिए, सर्कल के 2 प्लेस के कॉर्नर पर, और वो जो फ्लैंक देखिए आप, कॉर्नर से गाड़ी जा रही है जो सारी पोजीशनिंग को एक्यूरेटली रिवील करने वाली है कि कहां कहां पर कौन से प्लेयर्स है। मीनवाइल अब इनके अलावा बाकी फाइट्स होंगी। वाइपर इज द वन विद दैट एपर वर्सेस ब्रदर सिक्सर, बाय गॉड गोस ऑन पॉइंट एज गोस डाउन,
जेवा जॉर्ज को भी यहाँ पर स्पॉट कर लिया, क्या फिनिश सिक्योर कर पाएंगे? 10वां फिनिश यहाँ पर टीम सोल के नाम आ सकता था। नीचे जितने भी प्लेयर्स बचे हुए सबकी एचपी कम है, मोस्ट ऑफ देम आर आउटसाइड द जोन एंड दिस वाज द मैन आई वाज टॉकिंग अबाउट, जो आई थिंक वापस स्काउटिंग करने के लिए एक डिफरेंट एंगल पर गए, चाने में आ चुके हैं। मॉर्टल यहाँ पर कुछ ना कुछ कमांड उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, कॉल आउट दे रहे हैं यहाँ पर कि कौन कौन से खिलाड़ी कहाँ पर मौजूद है। लेकिन अभी के लिए आगे बढ़ते हुए रेगल टॉस बिल्कुल तैयार, एंड टीम नंबर 15 की भी खिलाड़ी यहाँ पर है इनिशिएटिव इस फोर्ट, तो थोड़ा सा उनसे भी संभल खिलाना पड़ेगा, थर्ड पार्टी अंजाम ना दे दे वो लोग। बट गेमजो जोन के बाहर जाकर मार रही है सोल, रिमेंबर द नेम, रिमेंबर द ग्राइंड, ये स्क्रिम्स है, यहाँ पर प्रैक्टिस करेगी मॉर्टल का आएगा ग्रेनेड, जो जीवा जॉर्ड की जीवा को भी के लिए यहाँ पर रोक जरूर देगा। रिवाइवल दिस टाइम नॉट एट ऑल पॉसिबल ब्रो, आपके दरवाजे पे टीम सोल खड़ी है, एंड संधानु ये तो वही खिलाड़ी है जिन्होंने कल बूम जरूर से मचाया था, बट आज शायद उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी, आज यहाँ पर कोई वॉटर हैक नहीं लगेगा दोस्त, बट कहीं ना कहीं ब्रेगन टॉस यहाँ पर आने जाने वाले है, ये आखिरी खिलाड़ी रह सकता है का डैमेज मिलेगा अब टीम सोल को, क्योंकि इन्होंने डिसीजन लिया कि हम जोन के बाहर जाकर अटैक करके आएंगे। क्या ये किल जोन को जाएगा? जी हाँ, ये किल जोन को जाने वाला है, ये फिनिश जोन को जाने वाला है, बट वाइपर हो चुके हैं नॉकआउट जोन के बाहर, एक और खिलाड़ी है, मैच हैज एंडेड, कोई कैजुअलिटी नहीं है टीम सोल के पास, एंड लुक एट द नंबर ऑफ फिनिशेस दे आर हैविंग, द वेरी फर्स्ट चिकन।